इस बीच मैं हम सभी उनके ऋणी हैं कि उन्होंने इतने बड़े आयोजन को इतनी सहजता के साथ, इतनी सरलता के साथ बांग्लादेश जगह में आयोजित कर कमाल कर दिखाया। वाकई में आज का यह 3 दिवसीय इनोवेशन एंड स्टार्टअप समिट 2019 का समापन समारोह कार्यक्रम में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों ने प्रतिभाग किया, 100 से ज्यादा इनोवेटर्स ने अपने स्टॉल्स लगाए, 75 से ज्यादा सरकारी विभागों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई, एक्सपो में अपनी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, प्राइवेट कंपनियों ने, बांदा के संस्थानों ने भी अपने यहां पर स्टॉल लगाकर इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई है। मैं चाहूंगा कि अपने स्वागत भाषण में इन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मंच पर जोरदार तालियों के बीच आयोजित आमंत्रित राजीव पांडे जी का स्वागत करें। प्रतिभागी प्रत्येक निवासी का जनपद प्रशासन स्वागत करता है। केवल बांदा के निवासी ही क्यों, नई ऊर्जा और नौजवान इनोवेटर्स जिन्होंने आके उनका नाम जगदीश चंद्र बोस और उनकी तरह दिया गया है। आज हमारी स्टार्टअप समिट की ये जो छोटी सी पहल थी जिला अधिकारी महोदय की प्रेरणा से, कल को वो लोग बड़े वैज्ञानिकों के रूप में प्रतिष्ठित हों, जनपद प्रशासन की एक कामना है। नौजवानों के जोश खरोश वो तो ठीक है, उससे नई ऊर्जा आती है। वो लोग पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से आए हैं और प्रतिभाग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय देकर कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का दायित्व का निर्वहन करते हुए कौशल हासिल किया है, अनुभव लिया है। ऐसे लोगों को हमारी भारतीय संस्कृति में अनुभवी कहा जाता है। इसे खरीदा नहीं जा सकता, ये जन्मजात नहीं होता। ये किसी कार्य को कुशलता से संपादित करते हुए जो कौशल आता है उसके कारण होता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग इस इनोवेशन स्टार्टअप समिट 2019 में पूरे भारतवर्ष से आए, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया हमको। हम उत्साहित हैं, जनपद प्रशासन की ओर से सभी का स्वागत है इस इनोवेशन स्टार्टअप समिट में। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने शुभकामनाएं भेजी, जो किन्हीं कारणवश आज हमारे साथ शरीक नहीं हो पा रहे हैं अपनी व्यस्तता के रहते या किसी अन्य कारण से, परंतु उन्होंने इस इनोवेशन स्टार्टअप समिट 2019 के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं और अपनी असमर्थता जाहिर की कि वो व्यस्तता के कारण नहीं आ पा रहे हैं। हम वो जहां हैं हम वहां उनका स्वागत करते हैं कि साहब आपने हमारा उत्साह बढ़ाया। इसके साथ साथ यहाँ मंचासीन हमारे श्री मुनीश जी, उनके अनुभव को कहना वो सूर्य को दीपक दिखाने की तरह है, जो सीजीएम अवार्ड रह चुके हैं किसी समय, हम उनका स्वागत करते हैं, जिला प्रशासन उनका स्वागत करता है। श्री मेहर सिंह साहब किसी समय भारत का नाम रोशन करने वाले जनरल मोटर्स में जनरल मैनेजर के पद पे जर्मनी में रहते हुए, जिन्होंने हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया है, हम जिला प्रशासन की ओर से उनका स्वागत करते हैं। श्री पीयूष वर्मा साहब जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के सदस्य हैं, अपने व्यस्ततम क्षणों से कुछ समय उन्होंने हमारे जनपद को दिया, हमारा हौसला अफजाई की, हम विशेष रूप से उनका स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ हमारे इस समिट के प्रेरणा स्रोत जिला अधिकारी महोदय, जिनमें हम सभी प्रशासन के प्रत्येक व्यक्ति समाहित है, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। एकदम अलग पहचान बनाने वाले आपके बारे में क्या कहा जाए, और यहाँ प्रशासन की कमान संभाल रहे हमारे अपर जिला अधिकारी महोदय श्री संतोष बहादुर सिंह साहब का हम स्वागत करते हैं। हम प्रत्येक उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं जिसने हमारी इनोवेशन स्टार्टअप समिट में समय दिया, प्रतिभाग किया और हमारा उत्साह बढ़ाया। आप सभी का स्वागत है। अगर आसन ना मिले तो कहीं रहिए, हमारे साथ सुनिए और हमारी इन बातों को दूर दराज इलाके में भी ले जाइए, जिससे बांदा की सूरत और सीरत दोनों बदल सके। धन्यवाद। ऑफ द कॉन्फ्रेंस डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट सिटिंग ऑन द डायस, आई वुड लाइक टू ब्रीफ अबाउट द key objectives of the 3 days Innovation and Startup Summit Banda, which has been organized under the able leadership of District Magistrate of Banda, Shri Hira Rajji.
यहां मौजूद जनता को मैं बताना चाहूंगा कि कार्यक्रम की जो थीम माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा डिसाइड की गई थी वो बांदा जनपद की मूल समस्याओं जो कि तीन प्रमुख समस्याएं हैं बढ़ावा देना था, जिसके लिए हमने जो टारगेट ग्रुप्स रखे थे उसमें स्टूडेंट्स का चयन किया गया, वो यहाँ पर मौजूद रहे। किसानों का चयन किया गया, उन्होंने भी इस कार्यक्रम का लाभ अपना प्रतिभाग यहाँ पर दर्ज कराया है। मैं चाहूंगा कि इतने बड़े आयोजन की सफलता के लिए एक बार पुनः माननीय जिलाधिकारी महोदय का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। मैं चाहूंगा उन लोगों का भी यहाँ पर अभिनंदन किया जाए जो दूर दराज से, कोई बॉम्बे से, कोई वर्धा से, गुजरात से, कोई हरियाणा से, दिल्ली से यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम सभी के बीच उपस्थित रहा एवं किसी न किसी सेशन में उसने हम सभी का मार्गदर्शन किया। उन सभी लोगों के लिए, उन वक्ताओं के लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन किया जाए। मच्छा सिंह अतिथि का मैं बताना चाहूंगा, माननीय जिला अधिकारी महोदय के निर्देशन में 7 हॉल में पैरेलल सेशन चलाए गए, जिनकी थीम मिशन एंड एजुकेशन टूल टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इन आवर रीजन, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने विचार यहां पर साझा किए हैं। इन बहुमूल्य विचारों को, उनके फीडबैक को हम संकलित कर एक रिपोर्ट बनाएंगे और जैसा कि माननीय जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया है कि इस रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश शासन तक भेजा जाएगा। मैं हमारे बीच लखनऊ से पधारे देश में वरिष्ठ बैंकर के रूप में अपनी पहचान बना चुके श्री मुनीश जी को उनके विशिष्ट अतिथि उद्बोधन के लिए आपके जोरदार निमंत्रण पर आज हमारे बीच यहां मौजूद हैं श्री मुनीश जी। ओवर टू यू सर। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय परपान जी, इंडियन फॉरेन सर्विस के उच्चाधिकारी श्री पीयूष वर्मा जी, मेहर सर और अन्य अतिथिगण और हॉल में उपस्थित सभी आगंतुक, अपनी तरफ से मैं आप सभी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस अद्भुत और अतुलनीय कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस तरह का कार्यक्रम बांदा जनपद जैसी छोटी जगह पर, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अपने में एक बड़ा इशू रहा होगा, किस तरह से यहां प्रशासन की टीम के सभी मेंबर्स ने, सभी सदस्यों ने दिन रात मेहनत लगन से काम करके वो कर दिया जो असंभव नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में माना जाएगा। 40,000 लोगों ने 3 दिन में इस कार्यक्रम में सहभागिता की। 100 से अधिक इनोवेटर्स पूरे देश से यहाँ आए और उन्होंने अपना ज्ञान और अपने अनुभव साझा किए। 150 से अधिक वक्ताओं ने, जो सहभागी थे, उनको अपने अनुभव, अपने ज्ञान का लाभ दिया। ये बहुत विचित्र चीज है। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इसको विश्वास करना कि ऐसा यहाँ एक प्रोग्राम किया गया है, मुझको लगता है कि बांदा के बाहर अगर मैं किसी को कहूंगा कि वहाँ ऐसा इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया तो पहली बार में आदमी विश्वास नहीं किएगा करेगा। इसके लिए मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूँ। और मैं जिस प्रोग्राम में अभी टेक्निकल सेशन में था, फॉर्चुनेटली उसमें सभी स्टूडेंट्स थे, बहुत ही रेस्पॉन्सिव ऑडियंस थी वो। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हम लोग पूरे वातावरण में एक निराशा का भाव सा कभी कभी आता है, उसके बीच में एक ये आशाधिकरण है कि हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है, वो सीखने के लिए भी आगे आना चाहती है और कुछ करके रिजल्ट्स देने के लिए भी आना चाहती है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन कंस्ट्रेंट्स फेस करने पड़ रहे होंगे,
लेकिन फिर भी उन्होंने ना तो हिम्मत हारी है ना हौसला हारा है और आगे बढ़ने की ललक उनके चेहरे से साफ झलकती है। ये एक देश के सुंदर भविष्य की झांकी बात झांकी है और ये बहुत ही हम लोगों को रीअश्योर करती है कि एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट, हम लोग अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी कामना है कि इस तरह के कार्यक्रम हर जनपद में आयोजित किए जाएं तो दूसरे जनपदों के बच्चों को भी, वहाँ के कृषकों को, वहाँ की जो और संस्थाएं काम कर रही हैं रूरल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट और दूसरे रियाज में, उनको भी इस तरह के ज्ञान का, इस तरह के अनुभव का लाभ मिले और वो भी जो तकनीकी संभावनाएं इस देश में, दैट इट हैपेंस इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, इफ नॉट ऑल द डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट इन द क्लस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाए। मैं एक बार पुनः कहूँगा, ये बहुत ही भव्य था, बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम था, बहुत ही अतुलनीय प्रोग्राम था और ये हम लोग जो भी इसका हिस्सा बने हैं ये हमारे साथ, इसकी यादें जीवन पर्यंत रहेंगी। आई विश ऑल एवरीवन हु इज प्रेजेंट हियर इन दिस हॉल एंड हु वाज द पार्टिसिपेंट, सबको जीवन में सफलता प्राप्त हो जैसी मेरी कामना है। और मैं एक बार पुनः डीएम साहब और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, Shri Munish ji, for your kind words and enlightening us with your experience and knowledge. इस तीन दिवसीय कार्यक्रम के लिए तो मुझे कभी दुष्यंत की वो लाइनें याद आती हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। इस हिमालय से जो ज्ञान की गंगा निकली है, मुझे लगता है कि हम सभी को उस ज्ञान रूपी गंगा से लाभ लेना चाहिए और आगे आने वाली जनरेशन को भी लाभ पहुंचाना चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर विशिष्ट अतिथि उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे बीच मौजूद हैं ऐसे शिक्षण संस्थान से पढ़े हुए हमारे विशिष्ट अतिथि, जो देश का नामचीन संस्थान है जहां पर पढ़ने की इच्छा हर इंडियन स्टूडेंट की होती है, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और जो कि जर्मनी में जनरल मैनेजर रहे हैं, जनरल मोटर्स कंपनी में, BMW जैसी कंपनियों में भी जिन्होंने सेवाएं दी हैं, श्री मेहर सिंह जी। जोरदार तालियों के बीच विशिष्ट अतिथि उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्री मेहर जी। ओवर टू यू सर। इनोवेशन एंड स्टार्टअप, जो कि जब मैं यहाँ पर आया तो हर पोस्टर पे, हर पैनल पे और हर चीज़ पे ये लिखा हुआ था। तो इनोवेशन और स्टार्टअप, स्टार्टअप का मतलब शुरुआत और इनोवेशन का कुछ नया, कुछ अनोखा करना, ये बात होती है कि ये कब इनोवेशन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किसको करना चाहिए। तो इनोवेशन करने के लिए कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ आपको एक सोच की ज़रूरत है। तो इसमें एक इंग्लिश में बोला जाता है कि क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी, मतलब कि जब भी कोई कठिनाई है या कोई परेशानी आपको आती है तो आप मानिए कि वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है उसको सुधारने का। तो जैसी आपकी क्राइसिस देखी, जैसी आपने क्राइसिस देखी तो ये मत मान के चलिए कि अरे ये तो परेशानी आ गई अब क्या करें, आप देखिए कि वहाँ पे एक मौका है आपको कुछ नया करने का। अगर आपने इस तरीके से सोच अपनी डेवलप कर ली है तो बगैर किसी भी एजुकेशन के या डिग्री के आप इनोवेशन कर सकते हैं, और जैसे ही आप इनोवेशन करने लगेंगे आपकी स्टार्टअप अपने आप बनने लगेगी और चलने लगेगी। वो कठिनाई ये आती है कि जो समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, उसको हम लोग जिस तरीके से हमको देखना चाहिए हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि ये तो होता है, होता रहेगा, ये तो ऐसा ही था। ये सोच आपको बदलनी पड़ेगी, आपको ये बोलना पड़ेगा कि नहीं, ये जो हो रहा था ये शायद सही नहीं है, इसको मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो पहला पार्ट होता है कि आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, आपको देखना है कि प्रॉब्लम है,
तो ये अधिकतर समय हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये तो चलता चला आ रहा है, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही होगा। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि बोलना पड़ेगा, अपने आप को बोलना पड़ेगा कि नहीं, मेरे को लग रहा है कि जो चलता चला आ रहा था वो सही नहीं है, वो गलत है, या मैं इसको और अच्छा कर सकता हूँ। इसमें दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि अगर आपने कोई प्रॉब्लम को देखा या कोई समस्या को देखा या क्राइसिस को देखा है, तो है कि आप एक जिसे बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग से आप सोचना शुरू कीजिए कि जो हो रहा है, हो सकता है कि आपको कॉलेज में ना मिले, हो सकता है कि आपको सब गांव में ना मिले, या हो सकता है कि सब शहर में ना मिले, लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया आपके सामने खुली हुई है इंटरनेट के थ्रू। आप इंटरनेट पे जाइए और देखिए कि आपकी तरीके से कितने लोग इस तरीके से सोचते हैं इस समस्या के बारे में, या इस समस्या को किसी ने इस पर सोचना शुरू किया है कि नहीं। और फिर आप एक ग्रुप बना सकते हैं 2, 3, 4, 5 लोगों का, और उसके बाद उसको आगे ले जा सकते हैं। ये मेरे ख्याल से आपके लिए स्टार्टअप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो सबसे जहाँ पे हार होती है, जिसे हम बोलते हैं कि आदमी हार जाता है या पीछे हट जाता है, वो होता है उसका डर। तो आपको एक करेज और कॉन्फिडेंस दोनों रखना पड़ेगा कि नहीं, मैं जो सोच रहा था कि वो सही है, समाज में जितने भी लोग सोच रहे हैं या बाकी लोग जो बात कह रहे हैं वो शायद सही नहीं है, या हो सकता है कि उसको और अच्छा किया जा सकता है। तो इसमें आपको हिम्मत बहुत चाहिए, हो सकता है कि आपको बहुत दूर तक अकेले जाना पड़े। अगर हो सकता है आपने जो भी निश्चित किया, डिसाइड किया, आप वहां पर पहुंचेंगे, या तो वो कंपनी के फॉर्म में, या फिर आप अपने गांव, जिला या प्रदेश को बदलने में, या फिर आप पॉलिटिक्स में करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, कहीं पर भी आप कर सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच श्री मेहर जी फॉर योर वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयरिंग विद अस। इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को उनको उद्बोधन के लिए बुलाऊं, मैं आपके काम की एक बात करता हूं, क्योंकि हम लोग इनोवेशन एंड स्टार्टअप समिट में बैठे हुए हैं समापन समारोह में, और मुझे याद है कल कोई मीडिया के बंधु जिलाधिकारी महोदय से एक सवाल पूछ रहे थे कि क्या समस्याओं का समाधान इसी मंच के माध्यम से निकलेगा, इसी कार्यक्रम के माध्यम से। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, तो आप लोगों में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? जितने लोगों के पास नहीं है, मैं उनको अवगत कराना चाहूंगा कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जितनी तेजी से तालियों के बीच मैं मंच पर विशिष्ट अतिथि उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्री पीयूष वर्मा जी। ओवर टू यू सर। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में ये सफल आयोजन हुआ और अपनी किस्म का पहला आयोजन बाला में इस तरीके का हुआ, मंचासीन पद्मश्री श्री रामशरण वर्मा जी, इसका उद्बोधन आप सुनेंगे, और सभी अन्य मंचासीन महानुभाव और सम्मानित साथियों, जिस उत्तर आपके लिए था सरकार के बीच और उनका लाभ लेने वाले कृषि विभाग है, किसान है, उद्यमी है, उद्यम से संबंधित विभाग है, उनके बीच में जो दूरियां हैं वो इस मंच के माध्यम से प्रभावी तरीके से मिटाई जा सकती है। तो जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे, प्रतिभाग करेंगे, मैं समझता हूँ और बहुत उत्साह दिख रहा है, ये एक समिट की सफलता का एक बहुत बड़ा प्रतिमान होता है। और इस तरीके का मंच, ये जो मंच प्रदान किया है जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से, अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, और मैं समझता हूँ कि इससे सैकड़ों लोग लाभान्वित हुए होंगे। जिस कार्यशाला में मैं था उसमें मुख्यतः किसान भाई थे, जिनको बहुत सारे लोग खेती के संबंध में खेती को कैसे लाभदायक बनाया जाए, और जैसा कि हमेशा वर्मा जी कहते हैं कि खेती की बात खेत में, तो जो खेत किसान और जो कृषि विभाग से संबंधित जो अधिकारी हैं उनके बीच में दूरियां न रहते हुए, क्योंकि जो व्यवहारिक समस्याएं हैं किसान की, जो छोटी छोटी चीज़ों में समस्याएं उसको आ रही हैं, और जो पॉलिसी बना रहे हैं लोग उनके बीच में दूरियां न रहें, इस तरीके एक मंच ये समिट प्रदान कर रही है। मैं समझता हूँ ये बांदा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। मुझे जिलाधिकारी महोदय ने, चूँकि मैं पड़ोसी जनपद का हूँ, बुलाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जिला प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से इसको चलाया, इसके लिए भी
मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इस मंच के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपके बाना में पासपोर्ट सेवा केंद्र का विधिवत उद्घाटन 2 तारीख को हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय ने जब ज्वाइन किया कहने लगे कि आप वहाँ हैं, यहाँ भी एक कार्यालय खुलना चाहिए। भारत सरकार की नीति भी है कि लोगों को कम दूरी तय करनी पड़े, तो मैं समझता हूँ बांदा उसके आसपास के नागरिकों को अब लखनऊ और कानपुर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और 2 तारीख से दिवस क्षेत्र के माननीय सांसद इसका उद्घाटन करेंगे। आप लोग यहाँ पे उनका बायोमेट्रिक हो जाएगा, फोटो खींच जाएगी, लखनऊ जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप उस सभी सेवाओं का पासपोर्ट संबंधित जो भी सेवा है आप बांदा में उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि हम पासपोर्ट क्यों बनवाएं, लेकिन अब समय बदल रहा है। केवल घूमने के लिए ही नहीं, बल्कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे परीक्षाओं में पहले ही वो पासपोर्ट की फोटो कापी लगती है, इमीडिएटली देखता है। बहुत सारे छोटी कंपनी में जो लोग काम करते हैं उसका ट्रेनिंग भी विदेश में होता है, कुछ लोग मेडिकल के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आगे बहुत सारे काम में आएगा ये, तो अधिकाधिक लोग उसका फायदा लें। और मैं पुनः आपकी दूरदर्शिता का जिलाधिकारी महोदय का बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ, आपके लिए भी लाभान्वित रहेगा। और ये समिट निश्चित रूप से ही बहुत सफल रहेगी, अपनी तरह की जो पहला प्रयास है निश्चित रूप से भविष्य में इसके लाभ दिखाई पड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू श्री पीयूष वर्मा सर के लिए आशीर्वचन के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय को मंच पर बुलाऊं। आप सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय जिलाधिकारी महोदय का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करें। और मैं इन पंक्तियों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों के साथ मंच पर श्री जिलाधिकारी महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं खानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मंच पे आसीन श्री राम शरण वर्मा जी पद्मश्री जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, श्री मुनीश जी जो नाबार्ड के यूपी के हेड रह चुके हैं, पीयूष जी जो बगल जनपद फतेहपुर के निवासी हैं, और मैंने ये सोचा भी नहीं था कि इन्होंने भी बहुत बड़ी बात कह दी। अब आपको लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, आपका पासपोर्ट आपके घर में बन जाएगा। मैं मेहर सिंह को सुन रहा था, उन्होंने अपने भाषण में भी इनोवेशन कर दिया, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, मेरा भी नहीं लिया। मुझे थोड़ी देर के लिए गुस्सा तो लगा, लेकिन मैंने जब इनकी बात सुनी तो मेरा गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल पॉइंटेड बात की। इनका कहीं पे निशाने कहीं पे निगाहें वाला मामला नहीं है, बहुत फोकस्ड आदमी लगे मुझे। और हमारे एडीएम साहब हैं और कार्यवाहक प्राचार्य जी भी हैं, और डायस पर पांडे जी बैठे हैं। देखिए ये जो आयोजन हुआ, ये मैं अगर सही बात बता दूं मेरे और अधिकारी बुरा तो नहीं मानेंगे, नहीं बता दीजिए, नहीं आप लोग बुरा भी मानते हैं। एक्चुअली इन्होंने कालीजर मेला लगाया, ये कालीजर का जो अभी मेला लगा था वो 2004 के बाद नहीं लगा, और उसमें मैं बिल्कुल 1 घंटे भी समय नहीं दिया, और मेला बहुत सफल रहा। उसी से मेरा हिम्मत बढ़ा कि मेरे पास कोई आदमी जनपद स्तर में है जिससे मैं ऐसा काम करा सकता हूँ, तो वो भी बैठे हुए हैं। देखिए जब मैंने पहले दिन आपको, ये ऊपर वाले मुझे देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। अगर आई टू आई कांटेक्ट नहीं होगा तो बात करने का कोई मजा नहीं है। देखिए मैंने पहले दिन जब आपसे यहीं से बात किया था तो ये मैंने बताया था कि मैंने या मेरी टीम ने या जिला प्रशासन ने यह आयोजन क्यों किया। मैंने 5 पॉइंट बताए थे उस दिन, 5 पॉइंट।
क्योंकि अयोध्या जिलाधिकारी मुझसे हर आदमी जवाब मांगता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और मेरा ये दायित्व भी है कि मैं सबको जवाब देकर के संतुष्ट करूं। अब शादी हो चुकी है, बारात जा रही है लौट के विदाई में, तो अगर दुल्हन लेके नहीं जाएंगे तो मामला नहीं बनेगा ना, फिर बारात लाने का शादी करने का कोई मतलब नहीं रह गया। कम से कम दुल्हन तो मिलनी चाहिए। पहले शादियां 3 दिन हुआ करती थी, हमारे तरफ तो 3 दिन हुआ करती थी, इधर भी 3 ही दिन हुआ करता था सर। हमने कुछ गलत नहीं बोला। देखिए, आज मेरा दायित्व यह है कि मैं आपको बताऊं कि इस 3 दिवस के उत्सव से हमें मिला क्या। कहीं हम अपना समय तो बर्बाद नहीं किए, कहीं तो हम अपना पैसा तो बर्बाद नहीं किए। हमें आज इसका आकलन करना है। हम कहीं खाली हाथ तो नहीं जा रहे हैं, कहीं बारात बिना दुल्हन के तो नहीं लौट रही है। ये मेरा विषय है कि टेक अवे क्या है, हम यहाँ से 3 दिन बाद लेके क्या जा रहे हैं। तो देखिए, पहली चीज हम क्या लेके जा रहे हैं, सभी को इनोवेटिव जानकारी मिली कि नहीं मिली, मिली कि नहीं मिली, मिली। आप उस हाल में घुस करके अगर आप देखेंगे तो आपके दिमाग चकरा जाएंगे, चाहे कोई कितना बुद्धिमान आदमी हो। उस हाल में जो इनोवेटर का जो हाल था, इनोवेशन जहां अपना लगा था, छोटे छोटे बच्चे ना देखने लायक ना सुनने लायक, गरीब घरों के गांवों के जो चीज करके दिखाया, आप लोग उनका कितना भी तारीफ करें कम है, आप उनको कितनी भी दुआएं दें कम है। मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं कि उन लोगों ने अपने हुनर को यहां दिखाया। एक लड़का सुबह हम लोग खड़े थे जा रहा था, कहे सर इतना छुटवा राहुल सिंह, रात को हमारे पास जितना पैसा था, हमारा साथी बीमार हो गया, हम सब पैसा खर्च कर दिए, हम घर कैसे जाएंगे सबके सामने, क्या हुनर। हमने तुरंत अपने जेब से पैसा निकाला, हमने कहा ले जा तुम्हें पैसा सब। मैं आपको बता दूं, ये आपके जनपद का पहला इतिहास है कि यहाँ जितने भी इनोवेटर आए हैं हम लोग सबको 2100 रुपया दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं हुआ। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा करेंगे, तो आपको इसलिए कि उन्होंने आपको इनोवेटिव जानकारी दी। दूसरा क्या है, जब हम स्टार्टअप इनोवेशन का बोर्ड लगाए, बैनर लगाए और बताने की कोशिश किए, तो जनता को तो छोड़िए, स्कूल को छोड़िए, हमारे अच्छे अच्छे अधिकारी नहीं जानते हैं कि इनोवेशन स्टार्टअप होता क्या है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी उस हाल में घुसा सबको पता है, वो एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाट इज स्टार्टअप एंड व्हाट इज इनोवेशन। हो सकता है कि उसको हिंदी की उतनी बढ़िया भाषा में आप ना बता सकें, लेकिन आप समझ तो सबके सब गए हैं कि व्हाट इज इनोवेशन एंड व्हाट इज स्टार्टअप। समझ गए कि नहीं समझ गए हैं, तो परिभाषा मिल गई देख के। ये दूसरा टेक अवे है। तीसरा क्या है कि अगर ये लोग छोटे छोटे काले काले और गांव देहाती लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। कहा हमारे बच्चों ने, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया, ये इससे क्या साबित होता है कि हमारे बच्चों को, हमारे किसानों को, हमारे डिजिटल को सही दिशा में सोचने और चलने के लिए बाध्य होना पड़ा है। सही दिशा में चलने और सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा। लोग ये कहने के लिए विवश हैं कि बाधा में अमेरिका जैसे जश्न कैसे हो गया। तो बहुत लोगों ने कहा, मुझे कई पत्रकार बंधु ने बात बताई कि बहुत लोग जब इंटरव्यू लिए उन्होंने ऐसा उम्मीद भी नहीं किया था कि बाधा में भी ये हो सकता है। तो ये जो पॉजिटिव माहौल बना, उसने सही दिशा में सोचने और चलने के लिए बात दिया। ये तीसरा टेक अवे है। यहाँ जब आदमी
आज ये चौथा टेकअवे है, सभी को खुशहाली, नई ऊर्जा, नई सोच और नई दिशा मिली इस तीन दिन से। अगर उनके मन में अच्छी चीज ना होती, ऊर्जावान ना होते तो सेल्फी न लेते। अरे वो मेरे साथ नहीं, और वो साथ भी ले रहे थे, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अरे बात और बताई दूं, अगर आप लोग बुरा ना माने, क्योंकि मैं डीएम हूँ, मुझे थोड़ा सा संभाल के बात करना पड़ता है। ये लोग गवाह हैं, कुछ लोग बाहर के साथ, एक मैडम थी, उन्होंने कहा साहब हम सेल्फी लेना चाहते हैं, हम आपके साथ लेना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं। अब मुझे देर लगा, हमने कहा आपने अपने पति देवता से अनुमति ली है कि नहीं ली है, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी है। मैंने पब्लिकली कहा, गवाह है आप। हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी थे, वो भी हंसने लगे कि डीएम साहब मतलब अब मैं करता तो क्या करता। चार टेक अवे तो मैं बता चुका, पांचवा टेक अवे क्या है, हृदय परिवर्तन हुआ है लोगों का, लोगों के हृदय बदले हैं, लोगों के मन बदले हैं। मैंने इसका असेसमेंट अपने अधिकारियों पे देखा, ये मेरे अधिकारी, जब हम तीन महीने से तैयारी कर रहे थे तो हम लोग अंधेरे में तीर चला रहे थे, इवन आई वॉज नॉट क्लियर कि वॉट आई एम गोइंग टू डू, Why I am wasting my time and energy? Why I am killing my easiness? मैं बहुत परेशान था, मैं क्योंकि मेरे लिए यह कि प्रतिष्ठा का दाम लग चुका था मेरा। लेकिन जब पहले दिन सफलता के आयाम देखने को मिले तो मेरे सारे अधिकारियों के दिमाग की बत्ती जल गई और ये लोग बिल्कुल इतना प्रफुल्लित होकर काम किए कि जो भी लोग आ रहा है वो ये आश्चर्यचकित है कि यूपी में और यूपी का अधिकारी इतना अच्छा काम करता है। अभी मेरे को बहुत लोगों ने कमेंट किया है, मन बदला इनका, जब इन्होंने देखा कि मेरे डीएम को नींद नहीं आ रही है तो मुझे भी नहीं आना चाहिए। एक बार और जब 28 तारीख को देखा ये रेला सबके चेहरे पे ऊर्जा खुशहाली और सेल्फी, तो इनका भी बत्ती जल गया। तो ये क्यों नहीं खुशहाल होंगे, इनका भी हृदय परिवर्तन हुआ। और मैं दो बात और बताना चाहता हूँ, हर आदमी के दोस्त होते हैं और दुश्मन भी होते हैं, मेरे भी यहाँ दुश्मन है, मुझे अभी तक दो पता लगे हैं पूरे बाधा में। तो एक महोदय जो जिनका ये वर्जन था कि जब तक ये डीएम यहाँ रहेंगे तब तक मैं उनसे मिलूंगा नहीं, मैं उनके कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा और मैं उनसे बात नहीं करूंगा, वो भी इस कार्यक्रम में आए। उनका मन बदला, ये छोटी मोटी बात नहीं। दूसरे एक महोदय ने मेरी एक लिखित शिकायत की, उन्हें नहीं पता, मुझे पता, वो भी आए और कल मेरी तारीफ की पूर्ण यही बात के गए, पब्लिकली बांधा उन्होंने मेरे को भी, ये हृदय परिवर्तन नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे लिए तो जो मुझे निंदक मेरे राखी है आगन को दिखा, मेरे शहर पे क्या फर्क पड़ता। लेकिन लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ, मैंने दो उदाहरण से अपनी बात को साबित किया। ऐसे कितने लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है, कितनी खुशहालियां आई हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। सारे लोग हैं नेतागिरी करते हैं, हमसे रोज लड़ते रहते हैं, मैं इनके आदमी को बंद कर देता हूं, या कहते साहब हमारा आदमी ठीक है, आपने बंद क्यों कर दिया। हमारे किसान हैं, वो आज मुझे रोज घेरते हैं, हमें यूरिया नहीं मिला, मुझे डाया नहीं मिला। हमारा अधिकारी है, जब उसकी छुट्टी कैंसिल कर देता हूँ, कहता हूँ काम करो, तो मुझे रोज घेरता है, कहते हैं कैसे डीएम साहब। हर आदमी कहीं ना कहीं हमारे उसके एक दूरी होती है, लेकिन इस समिट ने जनपद के विभिन्न वर्गों को, स्टूडेंट को, किसान को, व्यवसायी को, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा कर दिया और हमारी बाधा की ताकत को बढ़ा दिया, आपस की दूरी को घटा दिया। ये इसका टेक अवे है, हम लोग आज मजबूत बन के निकले हैं।
आज ये हम कह सकते हैं कि वादा में कुछ भी संभव हो सकता है, ये साबित कर दिया इस 3 दिवस के कार्यक्रम ने। जो बात प्रगति मैदान में हुआ करती थी, जो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ करती थी, जो बंगलौर में हुआ करता था, आज वो कहां हो रहा है? बांदा में। हमारी एकता बढ़ी है। जब हमारे सरकारी विभाग से लोग बहुत दुखी रहते हैं, ये कड़वा सच है, मैं जानता हूं, तो मैं सोचता हूं इस दुख को कैसे दूर करूं, लोग कैसे सरकार को पसंद करें, कैसे सरकार के नजदीक आए। तो जब हम कहीं स्टॉल लगाते हैं तो ये सब खाना पूरी करते हैं। क्या करते हैं? खाना पूरी। आप लोगों की भाषा बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही लोग कहते हो सरकार के लोग अच्छे नहीं होते हैं, खाना पूरी करते हैं, अच्छा काम नहीं करते, आपकी भाषा, वही मैं रिपीट कर रहा हूं। आपके सामने हमने जितने स्टॉल लगवाए सब एक कलर में लगवाए, सब खूबसूरत लगवाए, सबके सूचना पत्रक विशेष रूप से खूबसूरत छपवाया, और हमने सबसे कहा कि जो स्टॉल पे बैठेगा सबकी साज सज्जा भी ठीक होगी, सब कोट पैंट पहन के आएंगे टाइम में। हमने इसको प्राइवेट मार्केटिंग के रूप में इस तरह से करने की कोशिश की कि जो लोगों के मन में एक भाव है कि ये खाना पूरी करते हैं, ये दिल से बताते नहीं है, छिपाते हैं, और जनता और गवर्नमेंट के बीच की जो एक दूरी थी, इस स्टॉल के माध्यम से हमने कार्यक्रमों की सही जानकारी देने की कोशिश करी और उस खाई को काटने की प्रयास किया। ये लगे हैं सब देखे हैं आप लोग, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। 8वां, आपके जनपद में हुनर की कमी नहीं है। मैं इसके पूर्व डायरेक्टर कल्चर, स्पेशल सेक्रेटरी कल्चर रह चुका हूं, तो मैं पूरे इतना बेहतरीन लोगों ने प्रदर्शन किया, हमने उनको मंच दिया, उनको प्रशंसा पत्र देंगे अभी, और उनको आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उनको कोई नहीं पूछता था, वो इसी में गदगद है कि डीएम साहब ने बुलाया, ये छोटी मोटी बात है। एक बहुत अच्छी चीज और आप लोगों को मिली, ये मेडिकल कॉलेज, जो इस मेडिकल कॉलेज में आ जाता है मुझसे यही कहता था, ये तो लगता ही नहीं कि ये बादा में बना है, ये ऐसा लगता है कोई बंगलौर की बिल्डिंग है, ये ऐसा लगता है जैसे कोई दिल्ली की बिल्डिंग है। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? आप लोग हंस रहे हैं, सही बोल रहा हूँ। इसको लोग जानते नहीं थे, इस समिट से इस मेडिकल कॉलेज की पहचान बन गई। आप आइए, दवाई कराइए, इंतजार कर रहा है ये मेडिकल कॉलेज, अब ये आपको बीमार नहीं होने देगा। ये आपका एक टेक अवे है, आप सबको एक मेडिकल कॉलेज मिल गया। जब नहीं जानते थे तो नहीं मिला था, अब जान गए तो एक मेडिकल कॉलेज मिल गया। आइए, 3-1 मिल पाता, ये 3-in-1 है, गोलगप्पा, इनोवेशन और सरकार। दिया कि नहीं दिया बच्चों को? दिया। आप लोग, कुछ ही लोग यहां होंगे जो कि जो एकेडमिक बिल्डिंग है उसके फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे गए होंगे। हम लोगों ने 7 लेक्चर हॉल में 28 सेशन प्लान किए थे। आप जान के हैरत होंगे कि कल यहां 4 IAS अफसर, 3 IPS अफसर, आज 2 कलेक्टर आए हुए थे, और आपको पूरे देश के कोने कोने से लोग आए। कैसे आए? कोई तो फिट कर ही आया, दिल्ली से चला आया, और कोई अपना ज्ञान दिमाग भेज दिया तो वो भी आया ना भाई। क्या आने का क्या मतलब? आजकल व्हाट्सएप नहीं करते हैं आप? आजकल सब व्हाट्सएप है तो होता है, तो अगर उसने अपना दिमाग व्हाट्सएप पे, अपना लेख व्हाट्सएप पे भेज दिया तो आया कि नहीं आया? आया ना? आप तो मेरे जान में फंसते जा रहे हैं। तो यह
गांव के लोग आए और उन्होंने अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कंट्रीब्यूशन दिया। बहुत सारे विषयों पे चर्चाएं हुई कि पानी की समस्या का समाधान कैसे हो, अर्बन डेवलपमेंट में ट्रैफिक की समस्या है उसका समाधान कैसे हो, अन्ना प्रथा से निजात कैसे मिले, कुपोषण से कैसे लड़ा जाए, अनेकों मेडिकल में क्या इनोवेशन हुए हैं। इतना बढ़िया माहौल, हमारा ख्याल है 150 से 200 के बीच विद्वान यहाँ आए। इस धरती पे इतना विद्वान आए तो वो अब अपना बुद्धि यहाँ बिखेर के चले गए बागा में, वो तय रहा है क्या रहा है, और धीरे धीरे हम लोगों के दिमाग में घुसे, हम उसका पालन करेंगे और फायदा उठाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आप सभी के लिए। एक चीज और मुझे देखने को मिला कि सभी लोग ये कहते रहे, सबके मुंह से एक ही बात निकली, एक चीज में बहुत सतर्क रहता हूं मैं, आपको बता दूं मैं अपने जासूस छोड़े रहता हूं कि कौन किसी काम के बारे में क्या कह रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे काम के बारे में, एक्टिविटी के बारे में क्या सोच रहा है। सबके मुंह से एक ही बात निकली, शायद इससे आप सहमत होंगे, कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था। अब आप लोग ये बताइए, ये ऐसा प्रोग्राम आगे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए हर साल। एक तो बहुत पिछड़े पिछड़े टाइप के आदमी है, अरे हम अगले महीने कराने प्लान में हैं। लेकिन वो किस रूप में आएगा आपके लिए कचंभा होगा। हम कोई भी काम करेंगे वो एक अपने आप में इनोवेशन होगा। हम प्लानिंग करेंगे, फिर कुछ ना कुछ फरवरी के लास्ट में प्लान करेंगे कि कुछ ना कुछ आपको नया चीज और दे। ये तो सब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे हमारा आपका डिस्कशन चलता रहेगा। मैं अभी तो मुझे लगता है मैं रहूंगा आपके बीच, और जब हमें जाना होगा तो मैं चला नहीं जाऊंगा, मुझे रोक नहीं पाएगा। तो जब तक मैं रहूंगा मैं हमेशा कहता हूं ना मैं सोऊंगा ना आपको सोने दूंगा, और जो सोया जब सो जाता आदमी कहां चला जाता है, तो मैं सोने नहीं दूंगा अपने किसी आदमी को, सबको जगा के रखूंगा। मैं अगर किसी का नाम लेके दूं कि इन्होंने ज्यादा काम किया इन्होंने बेकार काम किया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने किसी की एक मंच पे तारीफ कर दी तो सबने कहा देखो डीएम साहब ने उसकी तारीफ कभी मेरी नहीं करी। मेरे नजर में एक एक आदमी है, आई डू नॉट लाइक चर्चा मेरी, आई लाइक मेरे। किसी को इस गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूं या ना बोलूं, कौन मेरिटोरियस है, कौन गच्चा देता है, कौन झूठ बोलता है, कौन काम करता है, मेरी सबकी सबकी डायरी है। और मैं कंटिन्यूअस क्यों यही चीज पर रखता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोग ये कह रहे हैं और आप लोग झूठ बोल रहे हैं सबके साथ कि ये प्रोग्राम डीएम साहब लेकर आया, ये आप लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं, और जिसने काम किया उसका आप लोग अपमान कर रहे हैं। ये प्रोग्राम डीएम साहब ने नहीं किया, ये प्रोग्राम आप सभी लोगों ने किया, जनता ने किया, मेरे अधिकारियों ने किया, मेरे दिल्ली मेडिकल कॉलेज के लोगों ने किया, सारे लोगों ने मिलकर किया। मैं अपनी दुकान सजा के बैठा था, अगर ये जनता ना आती तो ये फेल होता कि नहीं होता? तो आप लोग ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि डीएम साहब ने किया? आप लोगों को ये झूठ बोलने का अधिकार किसने दिया? डीएम साहब ने नहीं किया, बल आप सभी लोगों ने किया। मैं तो केवल एक कठपुतली था, क्या ऐसे ऐसे नाच रहा था कि आप लोगों ने जिस तरह से कठपुतली को पीछे से कोई हिलाता है ना, ऐसे करता है, तो हिलाने वाले कौन लोग थे? आप लोग थे। मैं तो केवल अपना वो चेहरा था, तो मैंने ये नहीं किया, आप सभी लोगों ने किया। ये मेरे पीछे भी बैठे हैं, आगे भी बैठे हैं, बहुत लोग हैं। मैं आप सभी लोगों से ये वादा करता हूं कि इसमें जिसने भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिसने भी इन्वॉल्व होकर काम किया है,
मैं उसका तहे दिल से तारीफ करता हूँ और मैं उसको किसी ना किसी रूप से पुरस्कृत करूंगा, तैयार करूँ, बेहतर करूँ, चाहे कब से करूँ। अभी इसका ये चैप्टर बंद नहीं हुआ है, इसके आगे भी चैप्टर में इसकी कार्य योजना है, मैं देखता हूँ कितना सफल हो पाता है। ये आपके जनपद के BSA है, इनको कितने लोग जानते हैं? अरे इनको तो हमसे ज्यादा जानते हैं, क्या बात है? ये BSA है, इस जनपद बांदा, ये केवल बांदा में काम नहीं कर रहा है, ये प्रदेश को भी लाइट दिखा रहा है। प्रदेश कल हम लोग बहुत प्रयोग किए, एक प्रयोग हम लोगों ने ये किया कि बच्चों में हुनर सिखाने के लिए और इंटेलिजेंट बनाने के लिए हस्ताक्षर करने का हाजिरी रजिस्टर में पी नहीं लगेगा, रजिस्टर लिखवाएंगे क्या, हाजिरी कराएंगे, जिससे उसका अकल बढ़े और उसका हुनर बढ़े। वो कल उसका सपना देश जारी हो गया। ये है वादा, ये है लिंग परिवर्तन, ये है प्रयोग, ये है इनोवेशन। ऐसा नहीं, उस पर लिखा है जिला बांदा के तर्ज पे प्रयोग के सफल होने पर पूरे प्रदेश में लागू किया जाता है। और आज अमर उजाला के लखनऊ एडिशन में बड़ी लंबी न्यूज लगी है, मुझे लखनऊ से किसी ने भेजा है, अमर उजाला छपा है, किसी ने भेजा लखनऊ। तो ये इनोवेशन मैंने किया या BSA ने किया? आप लोग मुझे क्यों जो है बिना वजह बदनाम करते हो कि DM ने किया, DM ने किया, DM ने किया। मैं कुछ नहीं करता, मैं तो पीछे से इनको धक्का देता हूँ, जब गाड़ी रुक जाती है तो धक्का दे देता हूँ, फिर कुछ देर रुक, गाड़ी चलती रहनी चाहिए, मेरा इतना काम है धक्का देना, गाड़ी रुकने ना पाए। बाधा की अच्छी शोहरत बाहर नहीं है, मुझे कहने में आप लोग जानते भी हैं, लोग इसको कई तरीके से अच्छे में नाम नहीं लेते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी यहाँ आजकल आया है, चाहे वो IAS अफसर हो, चाहे आप IFS अफसर हो, चाहे IPS अफसर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, वो सब जाकर के अब बांदा के लाउड स्पीकर बन गए हैं। क्या बन गए? बांदा के लाउड स्पीकर, और बांदा के नाम को रोशन करेंगे कि हम बांदा गए थे, वहां तो इनोवेशन हुआ, स्टार्टअप हुआ, हमारी जो पुरानी बातें थी वो खत्म होंगी, जो नकारात्मकता थी वो खत्म होगी और पॉजिटिविटी से वो फील होगा, जाकर के चाट पकौड़ा खा लिए। तो ये सब ऊर्जावान है, और मैं आप सभी से मेरी शुभकामनाएं हैं कि देखो अच्छा काम आप करोगे, मैं कोई भी अच्छा काम करता हूँ या कोई नया काम करता हूँ तो लोग 25 तरह कहानियां मुझे पूछते हैं। हमने परिवार सम्मेलन एक शुरू किया, मैं कोई ये प्रयोग में 20 साल पहले किया था, जब यहाँ शुरू किया तो लोग कहें ये DM कैसा आया है, ये क्या क्या करता रहता है। और जब उस परिवार सम्मेलन में सब परिवार सहित इकट्ठा हुए और छुट्टी के और शाम के शुरू हुआ 6 बजे, रात के 1 बजे तक नाचे गाए, तब समझ में आता है। यहाँ भी वही बात हुई, जब पहले दिन भीड़ आई और लोगों को अच्छा लगा, अरे तो लगा कि ये तो कुछ अजीबो गरीब हो गया, तब लोगों के समझ में आया कि ये था क्या और DM साहब सोच क्या रहे थे। तो अगर आप लोग साथ देंगे और आप लोगों का एक्टिव सहभागिता रहेगी तो हम आपसे वादा करते हैं कि मैं किसी के चेहरे पे मायूसी आने नहीं दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं वह हर कदम उठाऊंगा, अपने उस हर चीज को त्याग करने की कोशिश करूंगा कि बांदा की समस्याएं कम हो और लोगों के चेहरे पे खुशहाली बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू रेस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द प्रोग्राम। फुल फेल है, क्या है? आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इसे बातें करते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। राम शरण वर्मा जी हाई स्कूल फेल हैं और IIM में पढ़ाने जाते हैं, ये इनकी काबिलियत है, समझने की कोशिश करिएगा। मंच पर बैठे कृष्ण करुणाकर पांडे जी,
मुनेश जी, सीजीएम नाबार्ड, मेयर सिंह कोर्ट जनरल मैनेजर, श्री पीयूष वर्मा जी जो अपने फार्म पर जा चुके हैं, लखनऊ में ही पासपोर्ट अधिकारी हैं जी, श्री संतोष बहादुर जी जो इस जिले के अपर जिला अधिकारी हैं, एवं और हमारे बहुत ही पुराने हमारे डीएम साहब, और हमारे एक प्रकार से हम इनको अपने मित्र भी कहेंगे, माने हीरालाल जी, और इस बांदा के आए हुए हमारे समस्त विभिन्न क्षेत्रों के भाइयों एवं बहनों एवं हमारे किसान साथियों व पत्रकार मित्रों, मैं थोड़ा माने जिलाधिकारी जी के बारे में बताना चाहूँगा। जब इस इन्वेस्टर समिट की हमारे पास निमंत्रण गया तो हमने एक दिन जिलाधिकारी जी से बात की कि सर ये बताइए कि समिट कैसी है, क्योंकि हम पूरे भारत में सरकारी प्रोग्रामों में जाया करता हूँ और पूरे भारत में आप समझिए कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मुख्यमंत्री थे गुजरात में 2013 में, हमने वो एक बहुत बड़े राष्ट्रीय सेमिनार का संबोधन किया था और दिल्ली में भी जाया करता हूँ और समझे कि भारत में हम पूरे घुमा करते हूँ। तो हम माननीय हीरालाल जी से हमने फ़ोन किया कि जिले स्तर में कैसा प्रोग्राम होगा, हम वहाँ जाएँ कि ना जाएँ। देखे हमने कहा कि पहली बार उन्होंने किसी जनपद में हमको बुलाया है, यदि हम नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब हम यहाँ आकर के सुबह हमने देखा तो ग्राउंड बहुत बड़ा, हमका बांदा जैसे ये छोटे से जिले में ऐसा बढ़िया, तो मालूम चला है मेडिकल कॉलेज है। तो हमने देखना शुरू किया, बहुत सारे स्टॉल लगे थे, तो हम कहा डीएम साहब ने कहा सरकारी स्टॉल लगवा दिया। फिर हमारा एक कमरे में लेक्चर था, तो इस कमरे से उस कमरे में गए, किसका और तीसरे कमरे में गए, तो हमने मीडिया लोगों का फोटो तो खींच लीजिए, सुनने वाला कोई नहीं था। फिर जब 11 बजे तो यहाँ मेला के साथ रैला शुरू हुआ, पूरा नहीं मेला नहीं रैला शुरू हुआ। पहली बार जिले में हम कोई तारीफ करने नहीं आए हैं, और ज़्यादातर किसान साथी हमको जानते होंगे कि हम किसी की जनून ही तारीफ करते हैं। तो हमने देखा कि मेला के साथ यहाँ रैला शुरू हुआ, तो हम खाना खाने में जिलाधिकारी जी से कहा कहीं हम नहीं आते तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल करते। तो हम यहाँ आए, और ये बात आज बताना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने भारतीय ये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश ने सबमिट की है, इसके हम नव अन्वेषक रह चुके हैं, और हमको 2009 में इन्होंने हमको अपने नव अन्वेषक किसान के रूप में सम्मानित किया है। ये जो आपका नव अन्वेषक यहाँ पर सबमिट हो रही है, एक माननीय जिला अधिकारी महोदय भाइयों को सुन करके ताजुब होगा कि हम 15,000 से 20,000 से ज़्यादा एक एकड़ में नहीं कमा पाते हैं, सही है कि नहीं जी, बताइए ऐसा है। तो हम बहुत बड़े आभारी हैं आपके जिला अधिकारी महोदय का कि जिन्होंने हमको यहाँ बुलाया, शायद का पहली बार हम वैसे हमें चाहते हैं कि हम पूरे भारत में जाकर के किसानों को ज्ञान दें, अपनी नई टेक्नोलॉजी की जानकारी दें, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। आप इस बात से कल्पना लगा सकते हैं रात में, इसके लिए हम बहुत ही आप लोगों के आभारी हैं यहाँ पर आए। यदि हम आते नहीं तो हम बहुत बड़ी अपने जीवन में चूक करते कि यहाँ मेला नहीं था और रैला था। आप समझिए कि है मेला नहीं रैला था। हमने कहा कि चलो 150 किसान होंगे तो चलते हैं, डीएम साहब की बात भी रखेंगे और चले चलते हैं, क्योंकि हमारा एक दिन का हमारा अपना खेत छोड़ना काफ़ी होता है, लेकिन ये समाज का काम है। अभी आप लोगों का सम्मान हुआ है, हमारे किसान साथियों का सम्मान, हम तो ये मानते हैं कि हमारे किसान साथियों का सम्मान हुआ है कि भारत सरकार ने पहली बार
जहाँ तक कि हमारा ज्ञान है, जहाँ तक कि हमारा शोध है, हम 30 साल में आप समझिए कि हमारे फार्म पर जितने भी गवर्नर हुए हैं, 4 हमारे फार्म पर गए हैं। अभी जो माननीय इस समय के जो गवर्नर हैं श्री माननीय राम नाईक जी, वो भी हमारे फार्म पर गए हैं। तो अपना फार्म एक बहुत बड़ा आधुनिक फार्म है। हम किसी की तारीफ नहीं करना चाहते हैं, हम एक किसान के हैसियत से बात जरूर कहेंगे कि आप सब जब से देश आज़ाद हुआ है तो पहली बार के किसानों के लिए हाजिर होंगे। अब अंत में हम थोड़े से अपनी खेती के बारे में जरूर कहना चाहूँगा। जो डीएम साहब हमसे कल भी कहे थे कि आप ये 5 मिनट बोलें तो एक मंच पर और हम बोलेंगे देंगे, हम कहा ठीक है 5 मिनट बोलेंगे, लेकिन यहाँ आप लोगों को साथ दे करके, वरना हम लोग 60 में बोलते हैं। तो आप लोग केला की खेती करिए, केला हम जुलाई में लगाते हैं, 1 एकड़ में 1200 पौधे लगते हैं, 13 महीने में फसल तैयार होती है, यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है। इस सम्मान के वाकई हकदार हैं श्री राम सत लोमा। इसी क्रम में मैं एसडीएम पयारी जी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मंचा सिंह श्री मेहर सिंह पूर्व जनरल मैनेजर जनरल मोटर्स जर्मनी मौजूद है, मैं उनसे निवेदन करूंगा। मंचा सिंह श्री संतोष बहादुर सिंह पीसीएस अपर जिलाधिकारी बांदा को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका भी सम्मान किया जाए, ताकि मंचा सिंह उपायुक्त एनआरएलएम श्री कृष्ण कर्नाटक पांडे जी को स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र देकर सम्मान करता है। लेकिन इतने बड़े आयोजन की इस सफलता के लिए जिलाधिकारी महोदय का ऐसा है, हम सम्मान करेंगे। आपकी हो आपने भाई कैसा लगा, आपकी तालियां उठा कर जवाब नहीं करेंगे। आज का दिन बांदा के इतिहास में सोना अक्षरों में दर्ज हो गया है। यह वाकई में ऐतिहासिक दिन है, किया गया है ना ही किसी परिकल्पना के लिए। एक दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डीएम एसपी डीआईजी कमिश्नर आरपीओ साहब, ये समस्त लोग लखनऊ से कल विशेष सचिव भी यहाँ मौजूद थे। ऐसे वरिष्ठ लोग बांदा जैसे जनपद पर आए और उन्होंने अपने अनुभव हम लोगों के साथ साझा किए। जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से मैं अब मंच पर उन लोगों को बुलाना चाहता हूँ, उन लोगों का यहाँ पर सम्मान। And you have memento, please. Next up is All UP Grameen Bank. Congratulations, ICDS. Next up, group photograph ke liye. Next up is Agricultural Department for comprehensive display of departmental programs and schemes as well as life. Next up, District Election. Here is number 4. लेकिन तालियां बजाते रहिए। जब दूसरे की बजाय अवार्ड देते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट कोल या मैं कहूँ सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। नेक्स्ट इज द क्यू हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग फॉर शोकेसिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ गोडा तालुक में डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर for brilliant display and demo of smart technologies such as smart electricity grids etc. तकरीबन 4 स्टॉलों के बीच चुने गए हैं जिनका प्रदर्शन शानदार रहा है, सहयोग अतुलनीय रहा है। इनको प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी लेकर यहाँ पर स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। तकनीकी रूप से उत्साह रूप से हमको मिला है, कमेटी के आभारी हैं, धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। पीछा जी अभी इनकी फोटो खींचो। हैंड एंड इनवाइट राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आरईसी बांदा इनका वो बना ना क्या आ जा ले लीजिए सॉरी हेलो डॉक्टर सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा एक बार ऐसे रहिए, फोटोग्राफ हो जाए, क्योंकि उदाहरण अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। सब लोग एक तरफ बस अपनी किस्ती के
मेरी हिम्मत को सराहो, मेरी ताकत की दाद दो, हमने एक जिला एक दिया जला दिया है हवाओं के खिलाफ। बांदा की शुरुआत बहुत दिनों तक गुजरेगी और यहाँ आए हुए इनोवेटर्स कल को भारतीय आकाश में बड़े बड़े वैज्ञानिक बने। जो अनुभवी लोग जाएं वो हमारी बांदा के बारे में और लोगों को अवगत कराएं और हमारा बांदा आगे बढ़े, इसी आशा के साथ एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अर्पित जी माइक संभालिए। थैंक यू सर के अवसर पर मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि श्री राम शरण वर्मा जी, पद्मश्री श्री कर्म श्री पीयूष वर्मा IFS रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर उत्तर प्रदेश, विशिष्ट अतिथि श्री मेहर सिंह जी, पूर्व जनरल मैनेजर जनरल मोटर्स, श्री मुनीश जी सेवानिवृत्त CGM नाबार्ड, श्री कोणाकर पांडे जी उपायुक्त एनआरएल, जिलाधिकारी श्री हीरालाल जी, इस सभागार में उपस्थित सभी अधिकारीगण, हमारे मीडिया के बंधुओं तथा जनपद वासियों, इनोवेशन एंड स्टार्टअप समिट तरह से संपन्न हुआ है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में पिछले 3 दिनों में जो हम लोगों की टीम, मेरी पूरी टीम जो लगी रही और उसने इतना अच्छे से इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराया है और जो जन सहयोग भी मिला हमें, इतनी पब्लिक आई इस कार्यक्रम में, इतने इनोवेटर्स आए, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी को। और अब माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं इस कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा की समाप्ति करता हूँ। ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मैं मंचा सिंह सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि ग्रुप फोटोग्राफ भैया थोड़ा पीछे आ जाएंगे, पीछे आ जाओ सर, ऊपर जाइए आप, पीछे कोई आने के लिए तैयार नहीं भैया, पीछे आ जाइए। पूरी पूरी फोटो कहाँ रहे आप? अरे सर भैया मोबाइल वाले भैया और पीछे भैया सर थोड़ा पीछे आ जाइए। अरे कुर्सी खड़े हो जाओ यार, कुर्सी आया फोटो लेने के लिए, चलो मैं इधर से। चलो Thank you.
जी तो इस बाना को बहुत अच्छा सजाया और संवारा है। तुम्हारी बीना गुप्ता जी ने जो आगे पधारा चाह रहा है, बहुत सुंदर जोरदार तालियां के सम्मान में एक बार थोड़ा जोरदार तालियां बजाइए सभी लोग। श्रीमती अंजू धवेले जी बहुत सुंदर राय जी मुझे प्रभात जी मेरे बगल में नाम बताते हैं प्रभात जी मेरे बगल में लेकर खड़े हुए श्रीमती अंजू धवेले जी राम स्वरूप राय जी बहुत अच्छे कीर्तनकार है बहुत अच्छी लोकगीत पार्टी है आपकी आपने तीन दिवसीय लगातार सहयोग किया है फोटो कराने पर लोग नहीं 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 जल्दी जल्दी करा दो चलो बहुत सुंदर तालियां बहुत सुंदर कलाकार है इन्होंने ग्रामीण की लोकगीतों को प्रस्तुत किया तो ये बहुत अच्छे संचालक हैं आप समाज सेवी हैं आपने बड़ा सहयोग किया है हमारा अमित पांडे जी ये बहुत सुंदर आचार्य जी द्वारा प्रस्तुत किया गया अमित पांडे जी आप राजकीय आश्रम परिंद्रा समाज कल्याण के शिक्षक हैं आपने छठवें मंच का संचालन करके बड़ा ही अतुलनीय योगदान दिया है जोरदार तालियां पार्टी के लिए इसी क्रम में दिवाली की टीम के कलाकार हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति है बुंदेलखंड की लोक गीत दिवाली नृत्य को प्रस्तुत किया है ये दिवाली गायकों को सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पीछे जाइए एक टीम एक लोग लीजिए बस प्रत्येक कलाकार का हमारा सम्मान करना है बहुत सारे लोग हैं ऐसे बलराम यादव जी दल नेता भगवाना है बलराम यादव जी बहुत अच्छे लोग गीत पार्टी के संचालक है बहुत जोरदार तालियां के लिए सम्मान में बहुत सुंदर ये हमारे समाजजीत निषाद जी बहुत अच्छे लोग की पार्टी है आपने बड़ा सहयोग किया है हमारे सभी मंचों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मध्य शुभम निषाद जी हैं बहुत अच्छी युवा गायक है बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी है आपका सम्मान बहुत बहुत सुंदर बहुत ही पुराने और वरिष्ठ कलाकार है आप श्री लल्लू प्रसाद रायकवार जी आपने जिस स्तर पर राय और विभिन्न प्रकार के लोकगीत प्रस्तुत किए हैं तो काबिले तारीफ है राम प्रताप शुक्ल जी बहुत सुंदर राम प्रताप शुक्ल जी बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं आपने संचालन व्यवस्था और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में हमारा सहयोग किया है बहुत सुंदर दीपा जी नंद किशोर जी द्विवेदी हैं बहुत सुंदर तबला वादक हैं पूरे राष्ट्र
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मुन्ना प्रसाद निर्मल जी, बहुत सुंदर श्री राम प्रसाद जी, बहुत जोर बना रही जी, बहुत अच्छा जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे पांडे जी निर्मल जी की, बहुत अच्छे से प्रकार है, आप लिखते भी हैं और आपके लिखे हुए तमाम सब्सक्राइब खुदों पर यहाँ पर कविताएं हुई, बहुत सुंदर रंजय जी, आपका कौन कहता है रंजय जी का प्रवर्तन कहा है भाई, ये आपका है ना रंजा जी के पूरे संगठन में तीन कलाकारों की सूची बनी थी, इनका बड़ा अतुलनीय योगदान रहा है, आगे जी। बहुत ही वरिष्ठ कलाकार है और आपका क्या कहना है, आपने जिस पुराने तरीके से नरेंद्र गोस्वामी जी, आपको रहा है, बहुत सुंदर संचालन किया, आप बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापक हैं और आप सरकारी और गैर सरकारी सभी बच्चों में बहुत अच्छा संचालन का काम करते हैं, बहुत सुंदर सभी हमारे आदरणीय जिलाधिकारी जी का हमारे सांस्कृतिक मंच के कलाकार बहुत ही आभारी रहेंगे, उन्होंने बुंदेलखंड की धरती में बुलाया था के लिए खाली सोचना ही नहीं पड़ता, मेहनत भी कर रही है, चलिए कैप्टन तो ही है सेंट मैरी, दो चार दिन बाद हम हर बच्चे से बात करेंगे और उसको देखेंगे उसकी रुकावट क्या है, दिक्कत क्या है, चिट्ठी लिखना तो हम उसकी मदद करेंगे, ये तो शुरुआत अभी हम कंटिन्यूस हमारा जिला विज्ञान का जो केंद्र उनको बढ़ावा देंगे। Thank you.